हमारे आसपास ही बहुत से लोगों को किताबों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें किताबें मिल नहीं पाती हैं। ऐसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक व्यक्ति ने पुरानी किताबों से पब्लिक लाइब्रेरी बना डाली। कोलंबिया के बोगोटा में रहने वाले 55 साल के जो सलबर्ज 20 सालों से पुरानी किताबें जमा कर रहे हैं, वह पुरानी किताबों को बचाने की मुहिम चलाते हैं। खराब हालात में मिलने वाली किताबों को खुद सुधारते हैं। जो किताबें अच्छी हालत में होती हैं, उन्हें वे सीधे अपने घर में बनाई लाइब्रेरी में डाल देते हैं। धीरे धीरे उनकी किताबों का कलेक्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके घर लोग आने लगे और अपने बच्चों की जरूरत के मुताबिक किताबें ले जाने लगे। अल्बर्ट कम्युनिटी लाइब्रेरी बनाना चाहते थे। उन्होंने लाइब्रेरी का नाम लाफूर्स डी एल एस पैलेब्रिस रखा, जिसका मतलब होता है शब्दों की शक्ति। अल्बर्ट के इस काम में उनके घर वाले भी मदद करते हैं। अल्बर्ट का मकसद है कि वह गरीब और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सके, इसलिए उन्होंने लगभग 235 अलग अलग स्कूलों में किताबें दान की। अल्बर्ट कहते हैं, मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ और अब मुझे गरीबी और कमजोर तबके का अच्छे से अंदाजा है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं मिलती और पढ़ाई के अभाव में वे जल्दी से काम करना शुरू कर देते हैं। किसी को भी कोई पुरानी और बेकार किताब दिखती है तो वे सीधे उन्हें दे जाता है। इतना ही नहीं, वे जिस इलाके में कूड़ा और कबाड़ इकट्ठा करने जाते हैं, वहाँ के लोग किताबों को कबाड़ में फेंकने से पहले उसे अलग रख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।